हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे जो टॉपिक थे जिसके अंदर प्लांट वाटर रिलेशनशिप था, तो इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। ए प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस की बात करें, ये एक दूसरे के ठीक अपोजिट मैकेनिज्म होती है। अब यहां पर जो प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस है, इनकी डेफिनेशन, इनकी मैकेनिज्म जो है, इसको इसकी हम स्टडी करें। इससे पहले देखिए कि यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इनको एक्सप्लेन किया। देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है तो वो ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन से मोर देन है, अधिक होती है। तो यदि साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन से मोर देन कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की है तो वह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और ऐसी कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म से आउटवर्ड साइड के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाएंगे, यानी साइटोप्लाज्म से वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में बाहर की ओर आएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें कि यदि हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन से लेस देन है, कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन से सेल के अंदर यानी इनसाइड में वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेंगे। तो ये होते हैं सॉल्यूशन। अब इन सॉल्यूशन के बेसिस पर हम बात करें प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। तो देखिए, यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस की बात करें तो यहाँ पर हम ये कहें कि एक सेल है, नॉर्मल सेल है कोई भी, इस नॉर्मल सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा। देखिए, ये जो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक, इस सॉल्यूशन में देखिए इस सेल को हम इस तरीके से रखेंगे। तो जब हम ये कहें कि ये जो पार्ट है ये सेल है, तो इस सेल में देखिए आउटर साइड में सेल वॉल, सेल वॉल के इनर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस एंड वोक्यूल्स प्रेजेंट है, ये सब पार्ट है। जब इसको हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन, या फिर कहें ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। और यदि इसकी बात करें साइटोप्लाज्म, ये इसके कंपैरिजन में डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एंड साइटोप्लाज्म जो है ये डाइल्यूट है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेट है। जब सेल को इसमें हम डीप कर देते हैं, तो जैसे इसमें डीप करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जैसे डीप करते हैं तो साइटोप्लाज्म से वाटर मॉलिक्यूल आउटर साइड में आएंगे। यदि हम बात करें तो साइटोप्लाज्म से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आउटर साइड में आएंगे, यानी इससे H2O मॉलिक्यूल आउटर साइड, क्योंकि सेल को हमने हाई कंसंट्रेट या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डीप किया है, तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं। हो गई ये, इसको हम और लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो देखिए ये और वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म से आउटवर्ड साइड में आएंगे। अब यहां पर देखिए कि जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड में आते हैं या साइटोप्लाज्म से आउटसाइड में आ रहे हैं, तो ये जो साइटोप्लाज्म है वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे ही इसमें से देखिए ये इतना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट, जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आउटसाइड में आएंगे तो ये जो है ये छोटा हो जाता है, यानी इतना सा हुआ। इसके बाद जब इससे वाटर मॉलिक्यूल और आउटसाइड में आएंगे
तो ये साइटोप्लाज्म एक छोटे से पार्ट में ही आ जाता है। तो साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया तो हम ये कहेंगे, तो देखिए यहां पर यही इसकी डेफिनेशन या मैकेनिज्म है। तो इस सेल में से हम ये कहें वाटर मॉलिक्यूल्स और आउटसाइड में आ गए, यदि हम बात करें इस तरीके से। तो हम ये कहें कि एक सेल को जब हम हाइपर कंसेंट्रेट सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म से आउटवर्ड साइड में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आउटसाइड में पास हो जाते हैं, जिससे साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और ये प्रोसेस ही प्लाज्मोलाइसिस कहला रही है। तो यहां पर देखें प्लाज्मोलाइसिस के अंदर इसकी डेफिनेशन, व्हेन ए सेल डिप्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर कहीं हाई कंसेंट्रेट सॉल्यूशन, देन ड्यू टू एक्जो ऑस्मोसिस वाटर। तो यहां पर एक्जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड में आ रहे हैं, एक्जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म मूव आउट ऑफ सेल, कि साइटोप्लाज्म से वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड में मूव करेंगे एंड साइटोप्लाज्म इज ए श्रिंक्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस एंड दिस सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ये होता है प्लाज्मोलाइसिस का। कि देखिए सिंपल सा मैं बता देता हूं, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि यदि एक सेल जो होती है, कि एक सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल एक्जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से साइटोप्लाज्म से सॉल्यूशन में आ जाएंगे, जिससे साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा और इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब इसके बाद देखिए इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है इनसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। जब हमने इस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डीप किया तो उस समय ये देखिए सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म जब श्रिंक होना इनिशिएट करता है, स्टार्ट होता है, तो हम ये कहें कि जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डीप किया तो साइटोप्लाज्म श्रिंक होना स्टार्ट होता है, उस स्टेज को हम इनिशिएंट प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो ये जो इनिशियल स्टेज है इसी को कहते हैं इन प्लाज्मोलाइसिस की इनिशियल स्टेज को इनसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और इसकी डेफिनेशन, द इनिशियल स्टेज व्हेन द साइटोप्लाज्म जस्ट बिगेन टू सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल, जब सेल वॉल से साइटोप्लाज्म श्रिंक होने की क्रिया मैकेनिज्म को स्टार्ट होती है या सेपरेट होना इनिशियल होता है, उसी स्टेज को हम कहते हैं जो इनिसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। तो यहां पर ये हुआ। इसके बाद देखिए ये मैंने अलग अलग डायग्राम बनाए, ये नॉर्मल सेल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म फैला हुआ है, ये इनिसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस है कि प्लाज्मोलाइसिस श्रिंक होने लग गया है, पहले यहां तक अब यहां तक। इसके बाद प्लाज्मोलाइट सेल कि ये बिल्कुल श्रिंक होकर के एक छोटे कॉर्नर में जो है उपस्थित है, इस प्रेजेंट हो जाता है, तो ये होगी प्लाज्मोलाइट सेल। इसके बाद देखिए इसके अपोजिट होता है डीप्लाज्मोलाइसिस। तो डीप्लाज्मोलाइसिस के अंदर ठीक इससे अपोजिट देखिए, ये जो पार्ट था इसमें हमने हाइपरटोनिक, और यदि इस सेल को हम रखे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर एंट्री करेंगे इस तरीके से, यानी इस प्रोसेस की बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेंगे। तो देखिए यहां से जो श्रिंक जो प्लाज्मोलाइसिस है वो स्ट्रेच होने लग जाता है, फैल जाता है। तो यहां पर ये है, यहां पर स्ट्रेच हुआ। इसके बाद फिर हाइपोटोनिक
सॉल्यूशन। जब इसमें रखेंगे तो ये और वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर एंट्री करेंगे और ये फिर से और अधिक फैल गया। तो इस तरीके से हम ये कहें कि यदि प्लाज्मोलाइड सेल है, एक प्लाज्मोलाइड सेल को हम हाइपोटोनिक या लो कंसेंट्रेट सॉल्यूशन में डीप करेंगे तो लो कंसेंट्रेट सॉल्यूशन से एंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होते हुए वाटर मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में एंटर करेंगे, जिससे साइटोप्लाज्म स्ट्रेच हो जाता है और इस प्रोसेस को हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट है। देखिए जहां हम बात करेंगे बिल्कुल ये व्हेन ये सेल डीप्ड इन ये हाइपरटोनिक की जगह हम चेंज कर देंगे कि यदि हम डेफिनेशन लिखेंगे ये डी प्लाज्मोलाइसिस, देखिए ये डेफिनेशन तो इसकी है, ये डेफिनेशन इसकी है, तो हम हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक है इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम कर देंगे हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक। ये सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन हाई न होकर के क्या होगी, लो कंसेंट्रेट। व्हेन ड्यू टू एक्जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस न होकर के एंडो ऑस्मोसिस हो जाएगी, वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म मूव आउट ऑफ सेल, इसकी जगह इनर ऑफ सेल, आउट ऑफ की जगह क्या हो जाएगा इनर ऑफ सेल, एंड साइटोप्लाज्म इज श्रिंक्ड की जगह हम ये कहेंगे स्ट्रेच स्ट्रेच। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस, यानी प्लाज्मोलाइसिस ने होकर के डीप्लाज्मोलाइसिस, एंड दिस सेल इज ए डीप्लाज्मोलाइज सेल या नॉर्मल सेल। तो बिल्कुल डेफिनेशन अपोजिट, जहां पर हाइपरटोनिक है तो हाइपोटोनिक, जहां एंडो ऑस्मोसिस है जहां एक्जो ऑस्मोसिस है वहां एंडो ऑस्मोसिस। तो इस तरीके से हम ये कहें जहां श्रिंक हुआ था वहां स्ट्रेच, तो ये ठीक अपोजिट लिखना होता है, वो हो जाता है डीप्लाज्मोलाइसिस। इसके बाद देखिए हमारे सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट है रोयो डिसकलर प्लांट की सेल का। रोयो डिसकलर जो प्लांट है उस प्लांट की जो सेल है उसकी जो लीफ है, लीफ की जो सेल होती है उस सेल का साइटोप्लाज्म ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर होता है। जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तब ये पर्पल कलर, जो हम ये कहें कि ये यहां से यहां तक पर्पल कलर था, ये श्रिंक हो गया यहां तक, और लास्ट में हम बात करें कि जो पर्पल कलर था कलर ये बिल्कुल श्रिंक होकर के यहां आ गया। तो इसको जब हमने माइक्रोस्कोपी पर देखा तो हमें पता चला जो पर्पल कलर था वो काफी हम ये कहें स्प्रेड था, फैला हुआ था, वो श्रिंक हो चुका है। जब इसको अपोजिट किया हाइपोटोनिक में रखा तो पर्पल कलर जो श्रिंक था वो स्ट्रेच होने लग गया, यानी धीरे धीरे वो फैल गया और फिर नॉर्मल स्टेज में आ गया। तो ये था प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर डेवलप इन सेल, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप प्रेशर डेवलप इन सेल, कि सेल के जो डिफरेंट टाइप की जो प्रेशर होते हैं उनका डिस्कस करना है। मेन रूप से हमारे फोर टाइप के प्रेशर हैं, तो फोर टाइप प्रेशर हैं। इनमें जो फर्स्ट है वो है ऑस्मेटिक प्रेशर। अब ऑस्मेटिक जो प्रेशर है, ये जो फोर टाइप के जो प्रेशर है इन प्रेशर में फर्स्ट है ऑस्मेटिक प्रेशर। अब ऑस्मेटिक जो प्रेशर है यदि हम इसकी बात करें कि ऑस्मेटिक प्रेशर है इसका क्या मीनिंग रहेगा, क्या डेफिनेशन, तो इसको देखिए समझने के लिए हमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उसको एक बार ध्यान देना होगा। ऑस्मोसिस की यदि प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर देखिए कि एक ये जो पार्ट है इसके अंदर हमने सोल्यूशन भरा,
देखिए ये जो फनल है, इस फनल के अंदर हमने सॉल्यूशन भरा और फनल के माउथ पर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाइंड किया कि माउथ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको हमने कवर किया है, बाइंड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर सॉल्यूशन भरा और इस फनल को उल्टा किया हमने। यहाँ पर जो इसके जो है बीकर है और बीकर के अंदर हमने वाटर लिया, प्योर वाटर लिया है, यानी प्योर वाटर ये पार्ट लिया हमने। तो हमने देखिए ये कहा था कि यदि यहां पर सॉल्यूशन है, यहां पर प्योर वाटर, सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन और यहां पर प्योर वाटर है, तो इसका मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार के सॉल्वेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये डाइल्यूट और ये कंसेंट्रेट। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल इसमें एंट्री करेंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस सॉल्यूशन में एंट्री कर देंगे। ये था एंडो ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस। अब देखिए कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट पर हम प्रेशर लगाएं, इस पार्ट पर कि इस पार्ट पर हमने ऐसे प्रेशर लगा दिया, तो जैसे ही हम प्रेशर लगाएंगे तो ये सॉल्यूशन है ऊपर की ओर नहीं जाएगा। तो यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर है, हम देखेंगे कि यदि प्रेशर हमने कम प्रेशर लगाया है तो ये ऊपर जाएगा सॉल्यूशन, फिर धीरे धीरे प्रेशर हम इंक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर जो है उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो ऊपर से प्रेशर जो हमने है, या फिर कहें कि जो आउटसाइड से जो हमने प्रेशर लगाया है, ये प्रेशर इस वाटर की एंट्री को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है कि वाटर एंटर नहीं करेगा। यहां पर कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है, वाटर बाहर है, वाटर इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हमने आउटर साइड से प्रेशर लगाया और प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक ऐसी वैल्यू आएगी प्रेशर की कि ये वाटर की एंट्री नहीं होगी। इसको देखिए एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि हम ये कहेंगे जो बैलून होता है, उस बैलून में जब हम हवा या एयर जो होती है उसको भरते हैं, तो जैसे बैलून में एयर जो पास करते हैं या एयर भरते हैं, तो उस समय बैलून जो रहता है वो उसकी साइज जो रहती है वो इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर कहें कि बैलून जो रहता है वो स्प्रेड होने लग जाता है, स्ट्रेच होने लग जाता है, फैलने लग जाता है। अब उस बैलून पर हम बाहर से यानी आउटर साइड से उस बैलून को हम धीरे धीरे दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बैलून जो है वह बैलून नहीं फैलेगा, अंदर जो उसके अंदर एयर होती है वो एंटर नहीं कर पाएगी। ऐसे देखिए उसको हम प्रेशर को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखिए जो बैलून की जो इनिशियल स्टेज थी उसको हमने बड़े टाइटली, हम ये कहें कि उसको चारों ओर से प्रेस कर दिया, अब बैलून में हम हवा एंटर करेंगे तो नहीं जाएगी, तो वो जो बाहर से आउटर साइड से जो प्रेशर लगाया है जिससे कि बैलून में हवा एंटर नहीं करे, उस प्रेशर की वैल्यू जो रहती है वही वैल्यू ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू है। बिल्कुल यही है कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है इस सॉल्यूशन में जो एंट्री कर रहे हैं, तो आउटर साइड से इतना प्रेशर लगाएं कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर पाए। देखिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक नल है, उस नल के थ्रू पानी जैसे हम ये कहें अपर साइड में आ रहा है, तो उस नल पर हम धीरे धीरे ऐसे प्रेशर लगाएंगे तो देखिए धीरे धीरे पानी जो है बाहर आना कम होता है, एक प्रेशर ऐसा आता है जिससे कि नल से पानी नहीं आ पाता है, तो कितना प्रेशर लगाया जिससे नल से पानी नहीं आया, तो वही है कि वाटर मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर पाए इतना प्रेशर। तो ये जो प्रेशर रहता है उसको हम ऑस्मेटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या हुआ कि यदि एक सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट या वाटर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाए, तो वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में एंट्री करते हैं, तो एंट्री करने को प्रिवेंट कर दें, रोक दें, यानी वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब सॉल्यूशन में एंट्री करते हैं तो आउटर साइड से इतना प्रेशर हम प्रोवाइड करें
कि ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें एंट्री नहीं कर पाए या सॉल्यूशन में एंट्री नहीं कर पाए, और वो जो प्रेशर है उसी प्रेशर को हम ऑस्मेटिक प्रेशर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रेशर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर, प्रेशर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर वाटर टू द सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ये जो प्रेशर प्रोवाइड हुआ वही प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो प्रेशर है, टर्गर प्रेशर। तो इससे पहले देखिए कि ये तो हमने एक एग्जांपल लेकर के देखा, अब हम बात करते हैं सेल की। ये सेल है, इसके आउटर साइड में H2 है, तो यहां हुआ कंसंट्रेट, वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो इस सेल पर हम आउटर साइड से ऐसे प्रेशर लगाएं ताकि वाटर मॉलिक्यूल इसमें एंट्री नहीं करे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एंटर करेंगे सेल स्ट्रेच होगी, लेकिन बाहर से हमने प्रेशर लगाया सेल स्ट्रेच नहीं हो पाई। तो कितना जो प्रेशर लगा रहे हैं कि जो सेल स्ट्रेच नहीं हो पाए या फिर के सेल में वाटर मॉलिक्यूल एंट्री नहीं कर पाए, और ये जो प्रेशर रहेगा उसी को हम कहेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर। इसके बाद सेकंड आता है टर्गर प्रेशर। अब देखिए टर्गर प्रेशर की हम बात करें, देखिए अगला जो है टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर को समझने के लिए देखिए, ये एक सेल है, इस सेल को हमने, यानी ये जो है सेल है, इस सेल को हमने रखा वाटर में, ये जो पार्ट है ये हुआ प्योर वाटर, यहां कंसेंट्रेट सॉल्यूशन रहेगा। देखिए सेल है, सेल है तो इसमें साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है तो कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है, कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है तो ये जो पार्ट है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में ये मिलेगी सेल वॉल, ये पार्ट। अब देखिए प्योर वाटर आउटसाइड में है, साइटोप्लाज्म है जो कंसेंट्रेट है कंपैरिजन प्योर वाटर के। अब ये प्योर वाटर जब ये सेमी परमिएबल, यानी ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसके थ्रू, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर जो मॉलिक्यूल है ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें एंट्री करेंगे, इस तरीके H2O मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे। अब H2O मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे तो हम ये कहें कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटवर्ड साइड में स्ट्रेच होने लगती है, आउटवर्ड साइड में एक प्रेशर प्रोड्यूस कर देती है। तो यहां पर देखिए कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इसमें एंट्री करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्ट्रेच होगी, इस तरीके से फैलने लगेगी। तो ये आउटर साइड में, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक आउटर साइड में प्रेशर प्रोड्यूस हुआ और ये प्रेशर अब सेल वाल पर लगता है, तो सेल वाल पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने एक प्रेशर प्रोड्यूस किया, पुटअप किया है। तो इसके कारण यदि हम देखें तो जो सेल वॉल है इस पर एक प्रेशर लगा इनर साइड से आउटर साइड की ओर, और जो प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन याद क्या हुआ, यदि एक सेल को हम ये कहें कि ये सेल को प्योर वाटर से सेपरेट रखें तो प्योर वाटर सेल के अंदर एंट्री करेगा जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वाल पर आउट साइड में या आउटर वर्ल्ड साइड में एक प्रेशर प्रोड्यूस करती है, और वो प्रेशर जो है वो ट्रिगर प्रेशर होगा। यदि हम बात करें तो देखिए जैसे एक ट्यूब है, उस ट्यूब के बाहर की ओर टायर रहता है, जैसे ट्यूब में हम हवा भरेंगे तो ट्यूब टायर की ओर एक प्रेशर प्रोवाइड करती है कि ट्यूब जैसे जैसे स्ट्रेच होती है फैलती है तो टायर पर भी एक प्रेशर लगने लग जाता है।
तो ये जो ट्यूब के द्वारा जो टायर पर जो प्रेशर लगा, यानी अंदर से बाहर की ओर ट्यूब ने जो प्रेशर लगाया उसको हमने कहा टर्गर प्रेशर। तो यहां पर बिल्कुल वही है ये। तो यहां पर देखिए, द प्रेशर डेवलप इन साइड द सेल ऑन द सेल वॉल ड्यू टू एंडो ऑस्मोसिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। कि एंडो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जब वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पर एक आउटर साइड में प्रेशर प्रोवाइड करती है और ये ट्रिगर प्रेशर हुआ। इसके बाद है वाल प्रेशर। तो देखिए वाल प्रेशर है ये ट्रिगर प्रेशर के ठीक अपोजिट। देखिए हमने ये कहा कि ट्यूब में जब हम हवा भरेंगे तो जैसे एयर ट्यूब में जो भरते हैं फिल करते हैं तो उसके बाद ट्यूब फैलती है, लेकिन टायर भी जो धीरे धीरे बाहर से इनर साइड के ओर प्रेशर लगाता है ताकि ट्यूब अधिक नहीं फैले। और ये सभी व्हीकल्स में हम नॉर्मली जानते हैं कि टायर जो रहता है वो बाहर से अंदर की ओर प्रेशर लगा देता है जिससे ट्यूब अधिक नहीं फैल पाती है। तो ऐसे ये होगा कि जैसे ही प्योर वाटर अंदर जाएगा ट्रिगर प्रेशर प्रोड्यूस होगा जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सेल वॉल पर आउटर साइड में प्रेशर लगाएगी, लेकिन सेल वॉल भी इस पर इनर साइड में प्रेशर लगाएगी। ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल इनर साइड में प्रेशर प्रोड्यूस करती है और इस प्रेशर को हम कहते हैं वॉल प्रेशर। तो इन ये टर्गिड सेल, एक टर्गिड सेल में द सेल वॉल क्रिएट ए प्रेशर ऑन द साइटोप्लाज्म एंड प्रेस इनवर्ड। कि साइटोप्लाज्म की ओर एक प्रेस लगता है जो इनसाइड के अंदर उसको प्रेस कर देता है, तो ये जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा वाल प्रेशर। तो वाल प्रेशर एंड टर्गिड प्रेशर अपोजिट होते हैं। इसके बाद देखिए, एक जो फ्लेसिड सेल रहती है, नॉर्मली हम कहते हैं मुरझाई हुई सेल है, उसमें बाहर की ओर कोई प्रेशर लगेगा ही नहीं, उस समय टीपी उसमें जीरो होता है। लेकिन यदि एक टर्गिड सेल है, बिल्कुल फुली हुई सेल है, नॉर्मली हम कहते हैं कि ये फुली हुई सेल है, उसमें बाहर की ओर यानी आउटर साइड में काफी अधिक प्रेशर लगा हुआ है, तो ये जो है हम ये कहें फ्लेसिड जो सेल होती है, जो टर्गिड सेल है उसके अंदर टर्गर प्रेशर हाई होता है, फ्लेसिड सेल में जीरो होता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट डीपीडी। अब देखिए डीपीडी, देखिए नेक्स्ट पार्ट है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी डीपीडी। तो डीपीडी जो है यदि इसकी बात करें तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद समझ में आएगा। कि देखिए हम ये कहते हैं प्योर वाटर है, यदि प्योर वाटर है उसके एक गिलास को हमने पानी के एक गिलास लिया वाटर का और उसको हमने फर्श पर डाल दिया, वो तेजी से फैल जाता है। अब जब वो प्योर वाटर है वो तेजी से स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है। अब हम उस प्योर वाटर में जैसे शुगर है वो डाल देते हैं, शुगर डालेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये पहले केवल सॉल्वेंट था, अब शुगर डालने पर सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हुआ, अब हम उस सॉल्यूशन के एक गिलास को फर्श पर डालते हैं और प्योर वाटर को डालते हैं। जो फास्ट जो स्प्रेड होने का या फिर कहें कि जो फैलने की जो प्रोसेस होती है वो प्योर वाटर की अधिक होती है और शुगर वाले वाटर की कम होती है, सॉल्यूशन की कम हुई। जैसे शुगर और डालेंगे तो हम ये कहीं नॉर्मली उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती, गाढ़ा हो जाता है वो, और धीमे या कहीं स्लो स्प्रेड होता है या फैलता है। और शुगर डालेंगे तो और स्लो वो स्प्रेड हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस को यदि हम देखते हैं तो हम ये कहेंगे जैसे जैसे सॉल्वेंट या प्योर वाटर में हमने शुगर डाला तो उसके जो डिफ्यूज होने की रेट है वो स्लो हो गई है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो अंतर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वह डिफरेंस ही डीपीडी होता है। तो हम ये कहें कि प्योर वाटर जिस प्रेशर से डिफ्यूज हो रहा था उसके कंपैरिजन में एक सॉल्यूशन रहता है, जो वाटर के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन था या कोई अदर पार्टिकल का जो सॉल्यूशन था वो प्योर वाटर की तुलना में कम प्रेशर से डिफ्यूज हुआ। यानी हम ये सीधा अर्थ समझे कि प्योर वाटर तेजी से डिफ्यूज हो रहा था, तेजी से फैल रहा था, सॉल्यूशन धीमी गति से फैल रहा था, यानी उनके प्रेशर में अंतर है। प्योर वाटर तेजी से, तेज दबाव से, और जो हम ये कहें सॉल्यूशन है वो स्लो प्रेशर से फैल रहा था। तो जो प्रेशर का जो डिफरेंस आया वही डीपीडी होता है।
तो ये जो है इसको यदि हम देखें तो डीपीडी क्या हुआ, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन देखिए डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वह डिफरेंस ही डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी कहलाता है। तो ये हुआ डीपीडी। अब देखिए इनके अंदर हम बात करेंगे कि ये जो डीपीडी है अब इनमें रिलेशनशिप है, देन डिफरेंट टाइप की जो प्रेशर है इनमें रिलेशनशिप है। अब देखते हैं क्या रिलेशनशिप है इनका। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रेशर्स, तो जो हमने प्रेशर पढ़े उनमें क्या रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशनशिप को देखें तो देखिए डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ऑस्मेटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर का जो डिफरेंस रहता है वो डीपीडी रहता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट रहता है, ये जो पार्ट है। अब ये जो है एक तो अपने को ये फॉर्मूला है इसको देखना है, ऑस्मेटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर का जो डिफरेंस है वो डीपीडी। देखिए हम ये कहते हैं कि यदि सेल फ्लेसिड है, यदि हम बात करें फर्स्ट कंडीशन फ्लेसिड सेल, इन ये फ्लेसिड सेल, फ्लेसिड सेल में टीपी इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये क्लियर था, फ्लेसिड सेल है मुरझाई हुई, बाहर की ओर कोई प्रेशर नहीं है, इसका मतलब टीपी इज इक्वल टू जीरो। और यदि ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस जीरो, यानी डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। और सेकेंड यदि कंडीशन देखें, यदि सेल टर्गिड है, यदि सेल टर्गिड सेल, टर्गिड सेल की बात करें तो टर्गिड सेल वाटर मॉलिक्यूल यानी एक फूली हुई सेल है, पूरी तरीके से फूल चुकी है, वो वाटर मॉलिक्यूल को तो अपने अंदर ले ही नहीं पाएगी। तो हम ये कहें कि टर्गिड सेल में डीपीडी इज इक्वल टू जीरो, और यदि ये वैल्यू रखेंगे तो जीरो इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, यानी ओपी इज इक्वल टू टीपी। ये अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है कि एक टर्गिड सेल के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर इक्वल होते हैं, और यदि फ्लेसिड सेल की बात करें तो उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर एंड डीपीडी इक्वल होते हैं। तो ये हुआ। अब इनके लिए एक ग्राफ भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन आता है। एक ग्राफ की बात करें तो देखिए हमने एक ग्राफ इस तरीके से बनाया। यदि सबसे फर्स्ट में बात करें, सबसे फर्स्ट में सेल फ्लेसिड है, यदि हम बात करें फ्लेसिड सेल, फ्लेसिड सेल की बात करें तो फ्लेसिड सेल के अंदर टीपी जो है वो जीरो मिलेगा। देख फ्लेसिड सेल है, फ्लेसिड सेल की बात करें तो टीपी मिलेगा जीरो। यहां पर देखिए ये रहा फ्लेसिड सेल में टीपी जीरो, और ऑस्मेटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मेटिक प्रेशर मिलेगा हाई। ये अब यदि इस सेल में वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर जाएंगे तो इसके अंदर जो इसके टीपी है ये इंक्रीज हो जाएगा। यदि वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर एंट्री करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे तो इसके अंदर हम ये कहें कि टर्गिड स्टेज में आने लग जाएगी, तो ये जो है टीपी है उसकी कुछ वैल्यू हो जाएगी, लेकिन ऑस्मेटिक प्रेशर कम होने लग जाता है तो ये डिक्रीज होने लग जाएगा और ये इंक्रीज। जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल एंट्री करेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी और ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और यदि हम बात करें कि एक टर्गिड सेल है, टर्गिड सेल की बात करें तो उस समय ऑस्मेटिक प्रेशर इज इक्वल टू ये, तो ये स्टेज हो जाएगी कि उस समय ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वाटर एंट्री करेगा तो ये इनका डिफरेंस है प्रेशर का, तो ये इनके अंदर रिलेशनशिप है
कि जैसे ऑस्मेटिक ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मेटिक प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा और एक स्टेज यानी ट्रिगर्ड स्टेज के अंदर ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे जो डिफरेंट टाइप के प्रेशर हैं, तो ये टॉपिक है।